आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और मेनली इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग मैटर और उसके क्लासिफिकेशन का स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री साइंस का ही एक पार्ट है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर द चेंजेस टेक प्लेस इन मैटर एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। यानी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया, रिएक्शन, हाउ मैटर इज फॉर्म्ड, कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड हाउ वन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ अनदर टू फॉर्म न्यू सबस्टांस, इन सभी का स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। यहाँ पर हम लोग मेनली अभी मैटर और उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। मैटर, मैटर का डिफिनेशन अधिकांश स्टूडेंट को पता ही है। एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ब्रिक्स, स्टोन, वुड, कॉपी, पेन, बेंच, मैन, ट्री, इटीसी, दीज आर मैटर्स। एयर भी मैटर है। तो कहने का मतलब है कि जो भी स्थान घेरता है, जिसमें कुछ मास होता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसफर, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स वाज मेड अप ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। फाइव बेसिक एलिमेंट्स, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल एंड वायु, जिसे हम लोग बोलते हैं भी हैं क्षितिजल पावक, गगन समीरा। ये हम लोग की भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है कि हम लोगों का शरीर पांच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। ये पांच बेसिक तत्व हैं, एयर, पृथ्वी, अग्नि, आकाश एंड वाटर। बट इन मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर इन टू वेज। आज के समय में जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। यहाँ हम लोग देखेंगे कि मैटर को किस तरह से टोटली क्लासिफाइड किया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। तो अगर हम लोग देखें मैटर, तो मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किए। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को पहले हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पर आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैटर को दो तरह से डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं, ए बी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी मैटर को दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप में हम लोग पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट, ये स्टेट के आधार पर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड वैसे सबस्टांस को बोलते हैं जिसमें फिक्स्ड वॉल्यूम एंड सेफ होते हैं, जैसे में ब्रिक्स, स्टोन, वुड, इटीसी। अभी हम लोग थोड़ा सा व्यू ले रहे हैं यहाँ पर मैटर के कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किए हैं, बस उसका ओनली डिफिनीशन यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टोटल उसका प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, इंटरनल प्रॉपर्टीज सारे को देखेंगे। तो सॉलिड हम लोग वैसे मैटर को बोल रहे हैं जिसमें जिसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और सेप भी फिक्स्ड होता है। इसे एक जगह से दूसरे जगह पर कहीं भी ले जाएंगे तो उसका वॉल्यूम और सेप दोनों फिक्स होंगे। लिक्विड असबस्टांस विच एज फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड सेप, सेप फिक्स्ड नहीं होते हैं। सपोज दैट अगर हम लोग किसी
ग्लास से वाटर को ये चाइना डिश या किसी बाउल में कन्वर्ट करते हैं, डालते हैं, तो ग्लास का शेप जो पहले से लिए हुआ था वाटर, अब वो बाउल का शेप में आ जाएगा। तो वहाँ पर वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है गैस। गैस वैसे स्टेट में आता, वैसे मटेरियल आते हैं गैस में जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होते हैं। बोथ वॉल्यूम एंड शेप आर नॉट फिक्स्ड। तो वैसे मटेरियल को हम लोग गैस के अंतर्गत रखते हैं, जिससे हाइड्रोजन है, एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब गैस में आ जाएगा। उसी तरह से अब बी कैटेगरी में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर को 3 ही ग्रुप में फिर से डिवाइड किए हैं। इसमें आ जाता है, एक है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या मैटर, सेकेंड है ट्रांसलूसेंट, और थर्ड है ऑपेक। लाइट पासिंग के आधार पर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे लाइट कम्प्लीटली पास होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिससे पार्शियली पास होते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे लाइट पास ही नहीं करता है। तो लाइट के पास करने के आधार पर मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हिंदी में पारदर्शी भी बोलते हैं, मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट कम्प्लीटली पास कर जाता है, जैसे में एयर है, वाटर है, ये सब जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ट्रांसलूसेंट में वैसे ऑब्जेक्ट आते हैं जिससे लाइट पार्शियली पास करता है, जैसे ऑयली पेपर हो गया, ग्राउंड ग्लास हो गया, ये सब। ऑपेक ऑब्जेक्ट में वैसे मटेरियल आते हैं, वैसे मैटर आएंगे जिससे लाइट का कुछ भी भाग पास नहीं करेगा, जैसे में वुड है, स्टोन है, ब्रिक्स है, माइन है, ट्री है, ये सब, जिससे लाइट पास नहीं करेगा तो शैडो बनेगा। और विस्तृत स्टडी इसका हम लोग फिजिक्स के चैप्टर में करेंगे। मेनली यहाँ पर हम लोगों को अब जो देखना है केमिस्ट्री में वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को किस तरह से क्लासिफाइड करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेनली मैटर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मैटर को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक है एलिमेंट, या ऐसे कर लेते हैं प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। मैटर को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिए अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में फर्दर जो मैटर है उसको हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड, तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर मैटर हैं। प्योर मैटर दैट मीन्स दोज मैटर्स विच आर फॉर्म्ड ऑन बाई ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बना होता है उसे हम लोग प्योर मैटर बोलते हैं, और जो मैटर एक से ज़्यादा प्रकार के पार्टिकल से बना होता है उसे हम लोग इम्प्योर मैटर बोलते हैं। यहाँ पर प्योर मैटर में एलिमेंट जैसे सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ये सब प्योर मैटर में आता है। क्यों? क्योंकि ये सब सिर्फ एक ही प्रकार के आइटम, अगर आयरन की बात करते हैं तो वो सिर्फ आयरन आइटम से मिल करके बना होता है, गोल्ड की बात करें तो वो सिर्फ गोल्ड आइटम से मिल करके बनता है। उसी तरह से जो कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जो सिर्फ एक प्रकार के मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से बने होते हैं। जैसे वाटर की बात करें तो वो H2O मॉलिक्यूल से बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। तो वैसे मटेरियल जो कि एक ही प्रकार के आइटम से या पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं मॉलिक्यूल से, उसे हम लोग प्योर मैटर बोलते हैं। एलिमेंट को हम लोग फर्दर फिर क्लासीफाइड करते हैं 3 सब ग्रुप में, ये है मेटल, नन मेटल एंड मेटलॉइड। अभी हम लोग यहाँ पर भी बेसिक ही कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर हम लोग डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मेटल वैसे एलिमेंट को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, और नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टीज नहीं होता है, जबकि मेटलॉइड में
मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। इसके बारे में स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। या फिर कंपाउंड में आते हैं, तो कंपाउंड जो होता है इसको फर्दर हम लोग दो ग्रुप में क्लासिफाइड किए हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और उसके कंपाउंड होते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के भी कुछ कंपाउंड आते हैं और अदर एलिमेंट के जो कंपाउंड आते हैं वो सभी इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं। इसका पार्ट बाय पार्ट हम लोग आगे क्लास में स्टडी करेंगे। इसी तरह से कंपाउंड को एक तरह से और भी डिवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंपाउंड में को तीन कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। एक है एसिड, बेस और तीसरा आप लोग जान रहे हैं साल्ट। अब इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है मैटर का वो इम्प्योर मैटर्स पर चलते हैं। अब हम लोग इम्प्योर मैटर में, जो इम्प्योर मैटर है, इम्प्योर मैटर को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर जो खाने वाला मिक्सचर होता है वो भी मिक्सचर ही है, बट यहाँ पर जो मिक्सचर की बात हम लोग जो कर रहे हैं उसमें सपोज दैट राइस, चावल बनाने के पहले जो हम लोग चुनते हैं, दाल बनाने के पहले जो उसमें से एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल्स को अलग करते हैं, या फिर जो हम लोग एयर, सांस जो ब्रीदिंग में हम लोग एयर यूज करते हैं, वो सारे के सारे मिक्सचर हैं। सॉयल भी मिक्सचर है, मिल्क भी मिक्सचर है। तो यहाँ पर मिक्सचर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर देखने में पता ही नहीं चलेगा कि वो मिक्सचर है कि कोई प्योर कंपाउंड का, मतलब बोल सकते हैं उसको, कि वो प्योर कंपाउंड का ही कोई लिक्विड फॉर्म है। होमोजीनियस मिक्सचर देखने में होल मिक्सचर एक समान लगेगा। सपोज दैट शुगर को वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्यूशन शुगर का एक जैसा दिखाई देता है। बट अगर ये शुगर सॉल्यूशन है, सपोज दैट ये शुगर सॉल्यूशन है, और अगर हम लोग सैंड सॉल्यूशन बनाएं, ये सैंड सॉल्यूशन है, तो सैंड सॉल्यूशन को अगर ध्यान से देखें तो इसमें सैंड हमें दिखाई दे जाएगा, सैंड दिखाई देगा। बट शुगर सॉल्यूशन में शुगर दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, सैंड क्यों दिखाई देगा, इसके बारे में स्टडी हम लोग आगे क्लास में करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ दो टाइप मिक्सचर का देख रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में और भी एयर आ जाएगा, बट हेटरोजीनियस में अगर ऊट जलाते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पर जो स्मोग है, स्मोक वो दिखाई देगा, तो वो हेटरोजीनियस में आ जाएगा। फिर यहाँ पर सॉइल हेटरोजीनियस में आएगा, सैंड प्लस वाटर सॉल्यूशन हेटरोजीनियस मिक्सचर में आएगा। तो इस तरह से हम लोग मैटर का टोटली क्लासिफिकेशन किए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। इस चार्ट में मैटर को किस तरह से क्लासिफाइड किए हैं वो पूरा लिखा हुआ है, और इसके पहले हम लोग क्लासिफाइड करके देख भी लिए कि मैटर को किस तरह से क्लासिफाइड किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैटर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे।